अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फ्रंट एंड और बैक एंड के कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने आईआर को भी डिस्कस किया। इसके अलावा हमने फ्रंट एंड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देखा, फ्रंट एंड क्या होता है और उसके जो सब स्टेप्स हैं हमने उनको भी देखा। हम बैक एंड को डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी कि बैक एंड के अंदर क्या क्या हो सकता है। चले हाँ, ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो आ रहा है बैकएंड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम आईआर को डिस्कस कर रहे थे। आईआर के अंदर हमारे पास एक स्टेप आ रहा था, रजिस्टर एलोकेशन। अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर बेसिकली एक मेमोरी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा, हमारे पास मेमोरी डिफरेंट तरह की है, हमारे पास डाटा स्टोरेज डिफरेंट तरह की हैं, जिसमें हमारे पास रैम है, हमारे पास रोम है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जिसके अंदर रैम और रोम की ही बेसिकली एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा सारा का सारा स्टोर करते हैं। आप लोग ने ये जो रैम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उस रैम के ऊपर चंद छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, बॉक्सेस बने होते हैं। वो बॉक्सेस बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं जहां पर हम डाटा स्टोर करते हैं। जब आप लोग C++ के अंदर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग डिक्लेयर करते हैं इंट ए, आपने ए डिक्लेयर किया जिसकी टाइप है इंटीजर, तो बेसिकली जब आपने ए डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, तो क्या करेगा ए, बेसिकली ए को कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए होगी डेटा स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप की। हमने अक्सर पढ़ा है, हमने इस चीज़ों के बारे में भी पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं या जब हम कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, हमें पता कि जब हम किसी भी डाटा टाइप की टाइप को डिफाइन करते हैं तो साथ ही उसके अंदर डाटा स्टोर हो जाता है। वो डाटा बेसिकली कैसे स्टोर होता है, बेसिकली उसको हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर का एक पार्ट एलोकेट कर देते हैं और उस रजिस्टर के पार्ट को एलोकेट करने की वजह से वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो जो रजिस्टर का हिस्सा होता है वो उस स्पेसिफिक मेमोरी को एलोकेट कर देता है जिसको हमने डिक्लेयर किया होता है। फॉर एग्जांपल हम राइट करते हैं इंट ए, तो अब इंट जब हमने राइट किया इंट, तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई मेमोरी चाहिए जिसके अंदर हमने ए को स्टोर करना है। अब ए के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम कोई भी इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं, इसका मतलब है हमें 2 बाइट्स या 4 बाइट्स चाहिए किसको, उस ए की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, क्योंकि टाइप क्या है, बेसिकली इंट है। तो दिस इज कॉल्ड रजिस्टर। अब वो कहते हैं जब हम बैक एंड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हमारे पास फ्रंट एंड से डाटा आ रहा होता है, सोर्स कोड आ रहा होता है, तो हमने उस सोर्स कोड को जब बैक एंड के ऊपर एवेल्युएट करना होता है या उसको एनालाइज करना होता है या उसके ऊपर हमने डिफरेंट एनालिसिस की टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी होती हैं, तो एक बात याद रखें, मैंने पहले भी इस बात को कहा था, पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब तक कोई भी डाटा हम स्टोर नहीं करते, हम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वो फ्रंट एंड से आने वाला डाटा, वो सोर्स डाटा, वो सोर्स कोड हमें पहले स्टोर करना पड़ेगा। वो स्टोर होगा तो देन उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है, आप लोगों ने कोई मूवी प्ले करनी है, तो मूवी जब तक आप लोग किसी भी मेमोरी के अंदर, अगर लैपटॉप है तो हार्ड डिस्क के अंदर, अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर, जब तक आप उसको सेव नहीं कर लेंगे तब तक आप उसको प्ले नहीं कर सकते। इसी तरह जब हमने कोई भी डाटा लिया, तो डाटा को जब तक हमने उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर हमने उसको देखना है या वॉच करना है या व्यू करना है, तो पहले हमने क्या करना है, बेसिकली उसको स्टोर करना है। तो जब हमने स्टोर करना है तो स्टोर के लिए हमें रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर बेसिकली इज अ मेमोरी। तो वो कह रहा है रजिस्टर एलोकेशन हमने क्या करनी है, ये मेमोरी एलोकेट करनी होती है किसको, उस डाटा को जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसमें वो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, वो कह रहा है हैव ईच वैल्यू इन रजिस्टर व्हेन इट इज यूज्ड। वो कह रहा है जब भी हम रजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर हर वैल्यू स्टोर होगी, जब उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है उसका सेकंड पॉइंट है, वो कह रहा है मैनेज अनलिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखें, जिस तरह ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हर रजिस्टर की कोई ना कोई स्पेस होती है, उसकी कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन होती है जहां से वो स्टार्ट होता है,
और कोई ना कोई फाइनल कंडीशन होती है जहां पे वो स्पेस एंड हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 GB का नाम लेता हूँ, तो 2 GB कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो 00 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 2048 MB पर। अब इसका मतलब है उसकी एक फाइनल लिमिट है, हम उस लिमिट से ज्यादा इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं कर सकते। तो वो सेम इसी तरह कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी रजिस्टर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो रजिस्टर रिसोर्सेज को मैनेज करता है रजिस्टर फाइल के अंदर, मतलब उसके पास मेमोरी लिमिटेड होती है और वो उसी लिमिटेड मेमोरी के अंदर सारी की सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैन चेंज द इंस्ट्रक्शन चॉइस। वो कह रहा है कि अगर हमने कोई डाटा स्टोर कर लिया रजिस्टर के अंदर तो हम उसकी चॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किया है और हम चाह रहे हैं कि वो इंटीजर का ना हो, वो फ्लोट का हो, तो अब वो कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अगर हमने किसी भी रजिस्टर को एलोकेट कर दिया है तो हम उसको डी एलोकेट करके उसके अंदर चेंजेस अप्लाई करके देन अगेन एलोकेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है लोड एंड स्टोर का। लोड एंड स्टोर का बेसिकली स्टैक के अंदर भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं डाटा को लोड करते हैं, लोड मीन गेट करना, देन उसको स्टोर करते हैं, स्टोर मीन सेव करना। मतलब पहले अगर हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो कीबोर्ड से पहले ए गेट करेगा सिस्टम, देन उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा, ऐसा नहीं होगा कोई डायरेक्ट मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा, बेसिकली पहले गेट करेगा। दिस इज कॉल्ड लोडिंग एंड स्टोरिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन इज एनपी कंप्लीट। अब व्हाट इज एनपी कंप्लीट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास डिफरेंट तरह की कम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर भी एनपी कंप्लीट क्या है, बेसिकली कम्प्लेक्सिटी है। वो कह रहा है अगर हमने कोई रजिस्टर एलोकेट कर दिया तो वो ऑप्टिमल होना चाहिए, ऑप्टिमल मीन वो ज्यादा एक्ट करे, ज्यादा एक्शंस परफॉर्म करे मिनिमम टाइम के अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा है वो क्या होगा, एनपी कंप्लीट होगा, मतलब उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी कम से कम होगी। उसके बाद कह रहा है अवॉइड हार्डवेयर स्टॉल्स एंड इंटरलॉक्स। वो कह रहा है अगर हमने कोई हार्डवेयर सिस्टम्स को यूज करना है या फिर कोई डिवाइसेस को इस्तेमाल करना है या फिर ऐसी डिवाइसेस जो हमने कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करना हो, इंटरलॉक्स का मतलब होता है डिवाइसेस जो कनेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो कह रहा है हम इस चीज को अवॉइड करें, इस चीज से अवॉइड करें, ठीक है। और ये बेसिकली उससे नेक्स्ट स्टेप है इंस्ट्रक्शन स्केलिंग के अंदर, और ये पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन स्केलिंग का। वो कह रहा है अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन स्केल करनी है तो हम हार्डवेयर का उसके अंदर इस्तेमाल कम से कम करें। उसके बाद कह रहा है यूज ऑल द फंक्शंस यूनिट्स प्रोडक्टिवली। वो कह रहा है अगर हमने कोई सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के अंदर कुछ फंक्शंस हैं तो सारे के सारे फंक्शंस कंटिन्यूसली परफॉर्म होने चाहिए, ये नहीं कि आज एक ही फंक्शन इस्तेमाल हुआ दूसरा नहीं हुआ, कल दूसरा ही हुआ पहला नहीं हुआ, परसों तीसरा ही हुआ दूसरा और पहला नहीं हुआ, कह रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए, सारे के सारे फंक्शंस के यूनिट्स प्रोडक्टिवली इस्तेमाल होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है वो कह रहा है ऑप्टिमल स्केलिंग इज एनपी कंप्लीट इन नियरली ऑल केसेस। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि कम टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी कोड को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक कोड 100 lines के अंदर लिखा हुआ है, हम सेम उसी लॉजिक को 10 to 20 lines के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल। वो कह रहा है अगर हमने कोई डाटा स्केलिंग किया तो वो ऑप्टिमल स्केलिंग होनी चाहिए, वो ये नहीं कि हमारे पास जो है ना एक डिफिकल्ट स्केलिंग हो। उसके बाद नेक्स्ट है वो कह रहा है हमारे पास अब मिडल एंड आ जाता है। डेफिनेटली हमने फ्रंट एंड को भी पढ़ा, बैक एंड को भी पढ़ा, अब वो कहते हैं मिडल एंड। अब हम मिडल एंड को ले आते हैं। वो कह रहा है इंटरमीडिएट स्टेज फॉर द कोड इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए जब हमने फ्रंट एंड से डाटा ले लिया उसको बैक एंड के अंदर सेंड कर दिया, वो कह रहा है जब हम फ्रंट एंड से डाटा लेते हैं और बैक एंड की तरफ भेजते हैं तो डेफिनेटली हम भी ये चाहते हैं कि अगर हमने कोई 100 lines का कोड लिया है तो जब तक वो बैक एंड पर जाएगा वो 20 lines का या 15 lines का रह जाए, ताकि अगर उसकी नंबर ऑफ लाइन्स कम होगी तो इसका मतलब है उसके ऊपर टाइम हमारा कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास एक कंपाइलर है जो क्या करता है 1 second के अंदर 1 line को रीड करता है, तो अगर 100 lines होंगी तो इसका मतलब है 100 seconds उसको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ हम क्या करते हैं इस कोड को जब हम बैकएंड की तरफ सेंड करते हैं तो हम इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, हम 100 की बजाय सेम उसी लॉजिक को 20 lines के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो जब वो बैकएंड पर जाएगा पहले तो वो 100 minutes दे रहा था, अब वो क्या करेगा 20 minutes प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एनालाइज द IR एंड रीराइट द ट्रांसफॉर्म्स IR। वो कह रहे हैं हम क्या करते हैं IR को अगेन एनालाइज करते हैं और उसके अंदर जो भी चेंजेस अप्लाई की जा सकती हैं वो अप्लाई करते हैं और देन हम अगेन IR को रीराइट करेंगे। वो कह रहा है जो बेसिक गोल है हमारे पास मिडल एंड का वो ये है
रिड्यूस द रनिंग टाइम ऑफ द कंपाइल्ड कोड, मतलब हमने अगर कोई सोर्स कोड दे दिया कंप्यूटर को या सिस्टम को और वो सिस्टम उसको रन कर रहा है, तो वो कह रहा है हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो रन करने से पहले उसको ऑप्टिमल बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 100 lines का कोड है, तो अगर हम जब एक लाइन को रन करते हैं तो हमारे पास 1 second लगता है, तो इसका मतलब है टोटल कितना टाइम लगेगा, अगर 100 lines ऑफ कोड हो तो 100 seconds। मैं कहता हूँ जब हमने फ्रंट एंड से डाटा सेंड किया तो जब वो बैक एंड पर जाने लगा तो वो ऑप्टिमाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 lines का डाटा सेंड किया है तो जब ऑप्टिमल हो तो 40 to 50 lines का रह जाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा और हमारा वक्त भी वेस्ट होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है मे ऑल्सो इम्प्रूव द स्पेस यूजिंग पावर कंजप्शन। वो कह रहा है हम जो मिडल एंड है वो बेसिकली स्पेस यूजेज को भी इम्प्रूव कर रहा है, मतलब अगर हमने कोई डाटा स्टोर किया है 18 GB के अंदर, अब मैं चाह रहा हूँ वही सेम डाटा हम 9 GB के अंदर स्टोर करें, तो वो कहता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि मेमोरी बच सके। उसके बाद है मस्ट प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ द कोड। वो कह रहे हैं अगर हमने कोई कोड का मीनिंग लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ सी आउट है तो उसका भी एक मीनिंग है, सी इन है उसका भी एक मीनिंग है। वो कह रहा है अगर हमने कोई मीनिंग इस्तेमाल करे हैं तो उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो आने वाले जो दौर है जो आने वाली जनरेशन है वो उसको आसानी से पढ़ सके। उसके बाद कह रहा है हमारे पास, वो कह रहा है ऑप्टिमाइजर्स। ऑप्टिमाइजर्स का क्या मतलब होता है, अपने ही कोड को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कोड को शॉर्ट करना। वो कह रहा है जब हम मिडल एंड से बैक एंड की तरफ जा रहे होते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्टिमाइजर लगे होते हैं। ऑप्टिमाइजर क्या करते हैं, हमारे कोड को शॉर्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमने एक कोड राइट किया वो 100 lines का है, मैं चाहूंगा कि जब हम इस कोड को कंपाइल करें तो वो 100 की बजाय 80 lines का हो। अब अगेन जब कंपाइल होगा तो 80 की बजाय 60 lines का हो, 60 से 20 में आए और 20 से 19, 19 से 17 और इसी तरह ये क्या करता जाए कम होता जाए। एक ऑप्टिमाइजर आएगा वो कोड को ऑप्टिमाइज करेगा, दूसरे ऑप्टिमाइजर के पास भेज देगा, दूसरा ऑप्टिमाइजर क्या करेगा अगेन ऑप्टिमाइज करेगा, देन अगेन वो कोड वापस भेज देगा और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। वो कह रहे हैं इसके अंदर टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या मतलब है, वो कहता है ये इसको डिस्कवर करता है और प्रोपोगेट करता है सम कांस्टेंट वैल्यू। मतलब क्या, अगर कोई भी अगर हमारे पास ऑप्टिमाइजर है तो वो ऑप्टिमाइजर को डिस्कवर करेगा और देन क्या करेगा उसको कांस्टेंट वैल्यू प्रोपोगेट कर देगा। मीन कांस्टेंट वैल्यूज बेसिकली वो वाली वैल्यूज होती हैं जो कि अनचेंज्ड होती हैं, अनचेंज्ड होती हैं लेकिन वो मेमोरी स्टिल वही रखती हैं जो कि ऑलरेडी उसने गेन की थी। वो कह रहे हैं मूव अ कंप्यूटेशन टू ए लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेसेस। वो कह रहे हैं हम क्या करें बेसिकली मूव कंप्यूटेशन टू लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेसेस। वो कहता है वो वाली प्लेसेस जहां पर हमारा कोड कम से कम रन हो रहा है, हम ट्राई करें कि हम उस रास्ते के साथ कोड को कंपाइल करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमने एक कोड को कंपाइल करना है, उसके कंपाइल करने के लिए 10 रास्ते हैं। वो कह रहा है वो आप वे चूज करें जो कि सबसे शॉर्ट है, शॉर्ट होने से ये होगा हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारी कॉस्ट भी कम से कम होगी। स्पेशलाइज्ड सम कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन द कॉन्टेस्ट। वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड मेथड लेते हैं जो कि कंप्यूटेशन बेस्ड होते हैं और हम क्या कर रहे हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर टॉपिक, हम अपने ही टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहकर हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा जो है ना वो मजीद कोड ऑप्टिमाइज हो सके। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं डिस्कवर अ रिडंडेंट कंप्यूटेशन एंड रिमूव इट। वो कह रहे हैं कि वो डेटा जो कि डुप्लीकेट है, जो जिसके अंदर डुप्लीकेशन है या डुप्लीकेशन कंप्यूटेशंस हैं, हम उनको क्या करें फाइंड करें देन उनको रिमूव करें कि क्यों, अगर डुप्लीकेट होगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी। वो कहते हैं हमने तो उनको कम करना है तो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं रिमूव यूजलेस और अनरीचेबल कोड। वो कह रहे हैं हम क्या करते हैं वो वाला कोड जो कि अनरीचेबल है और जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते उसको रिमूव कर देना चाहिए। ऑप्टिमाइजर क्या करता है उसको खत्म कर देता है। इनकोड एन आइडियम इन सम पार्टिकुलर एफिशिएंट फॉर्म। वो कह रहा है अगर हमारे पास कोई आइडियाज हैं या फिर कोई आइडियम्स हैं तो हम क्या करें उनको एक पार्टिकुलर एफिशिएंट फॉर्म के अंदर हम इम्प्लीमेंट करें। उससे ये होगा कि डेफिनेटली हम ऑलरेडी बनी बनाई चीज को ही यूज करें, हमें कोई न्यू से बनानी नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, कुछ रोल है रन टाइम सिस्टम का, मतलब वो वाले सिस्टम जो कि रन होते हैं। वो कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट होने चाहिए, सारा का सारा मेमोरी मैनेजमेंट को करे कि हमने हार्ड डिस्क को कितनी स्पेस देनी है, विंडो को कितनी देनी है, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उसको कितनी देनी है और बाकी हम स्पेस कहाँ कहाँ पर यूज करनी है। उसके बाद कह रहे हैं एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। हम क्या करते हैं, हम एलोकेट कर रहे होते हैं रजिस्टर्स को और डी एलोकेट कर रहे होते हैं। गार्बेज कलेक्शन, वो कह रहे हैं हम इसके अंदर
हम इसके अंदर गार्बेज कलेक्शन भी करेंगे। गार्बेज कलेक्शन का मतलब है कि वो वाला डाटा जो कि अननेसेसरी है, हम उसको भी कलेक्ट करेंगे। उसके बाद रन टाइम टाइप चेकिंग, हम क्या करते हैं इसकी टाइप को चेक करते हैं और वो रन टाइम के ऊपर चेक की जाती है, बाद में चेंज नहीं होती। एरर एक्सेप्शन प्रोसेसिंग, वो कह रहे हैं अगर कोई एरर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई हमने एक्सेप्शन ऐड करनी है, एक्सेप्शन ऑलरेडी है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको रिमूव करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इंटरफेस टू ओएस, वो कह रहा है अगर हमारे पास कोई इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस की आईओ की तरफ मूव करना चाहिए, इनपुट आउटपुट की तरफ। सपोर्ट फॉर पैरेललिज्म, वो कह रहा है ये पैरेललिज्म होना चाहिए, पैरेलल थ्रेड्स, अगर कोई थ्रेड्स आ रहे हैं वो भी पैरेलल होने चाहिए। कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, वो कह रहे हैं जितना भी डाटा होगा वो आप डेफिनेटली सीआर और जीआर आप लोगों की पूरी क्लास के साथ करते हैं कम्युनिकेट, तो वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन इनकी होनी चाहिए और सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंपाइलर के रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, इंटरप्रेटर है जिसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है, असेंबलर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को कंपाइल करता है, प्री प्रोसेसर है जो क्या करता है प्रोसेस करने से पहले इसको प्रोसेस करता है, और देन एनालिसिस टूल्स, हम देखते हैं हमारे पास इसको एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, देन हम उनको क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।